हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज के वीडियो पे हम देखेंगे इसी साक्षर मशीन को कैसे यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो पहला हम देखेंगे साक्षर मशीन क्या है, उसको क्यों यूज़ किया जाता है, यानी इसका पर्पस क्या होता है, एंड साक्षर मशीन को कैसे सेटअप किया जाता है, एंड नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, इससे हम लोग को बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है नया नया वीडियो बनाने के लिए। तो आज के वीडियो पे हम देखेंगे एडल्ट सक्शन मशीन के बारे में, एंड नेक्स्ट वीडियो पे हम देखेंगे न्यूबॉर्न से इन्फेंट सक्शन के मशीन के बारे में। तो इसके लिए क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहें ताकि किसी भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले किसी भी पेशेंट को सक्शन के लिए क्या क्या आर्टिकल चाहिए, आर्टिकल को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हमने सक्शन मशीन लेना है, एंड यहाँ पे दो किडनी ट्रे लेना है। एक किडनी ट्रे पे स्टेराइल वाटर रखेंगे, एंड दूसरा किडनी ट्रे पे वेस्ट मटेरियल डालने के लिए। एंड मेकिंग टूल्स लेना है, सक्शनिंग के टाइम पे बॉटम सिर गीला ना हो। एंड नेक्स्ट न्यू स्टेराइल सक्शन कैथेटर लेना है। यहाँ पे डेमो दिखाने के लिए हमने एक एक्स्ट्रा लेके रखा है, यहाँ पे देख सकते हो। एंड सक्शन कैथेटर लेने के टाइम पे अकॉर्डिंग टू साइज उसको जांच करके साइज के अनुसार लेना है। एंड नेक्स्ट सर्जिकल ग्लव्स लेना है, एंड यहाँ पे कॉटन स्वेब एंड गॉस स्वेब लेना है अगर सक्शनिंग के टाइम पे रॉ ब्लीडिंग हो तो उसको क्लीनिंग के लिए। एंड नेक्स्ट टॉवल लेना है। क्या क्या आर्टिकल चाहिए हमने अच्छे से देख लिया, तो चलिए अभी इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डी पेशेंट हुइट एन आर्टिफिशियल यारुए इज नॉट केपेबल ऑफ इफेक्टिवली कफिंग, यानी जो पेशेंट खुद से सांस नहीं ले पाता है, सांस नहीं छोड़ सकता है, सांस नहीं ले पाता है, तो उन सब पेशेंट को क्या होता है, आर्टिफिशियल एक यारुए लगाया होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राकेस्टोमी। सो उस ट्राकेस्टोमी से क्या होता है, सिक्रेशन बहुत सारा निकल के आता है, कभी कभी रॉ ब्लीडिंग भी होता है, तो उन सबको क्लीनिंग के लिए क्या होता है, सक्शनिंग मशीन यूज होता है। दी मोबिलाइजेशन ऑफ सिक्रेशन फ्रॉम दी ट्राकिया मस्ट बी फैसिलिटेटेड बाय एस्पिरेशन, यानी जो सांस लेने के टाइम पे क्या होता है, वहाँ पे सिक्रेशन जम जाता है ट्राकिया पे, एस्पिरेशन निकल के आता है, तो क्या होता है, सक्शनिंग के बिना जो सांस लेने का जो एयरवे होता है वो बंद हो जाता है, तो उसको सक्शनिंग के द्वारा हम लोग करना पड़ता है, तो उसी के हम लोग बोलते हैं सक्शनिंग। तो चलिए इसका पर्पस यानी कब और क्यों यूज होता है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले सिक्रेशन को रिमूव करने के लिए यूज होता है, एंड टू मेंटेन पेशेंट एयरवे यानी सांस नाली को क्लीन रखने के लिए यूज होता है, एंड टू प्रोवाइड इफेक्टिव वेंटिलेशन, वेंटिलेशन के माध्यम से सही से एयरवे क्लीन रखने के लिए, टू स्टिमुलेट कफिंग के लिए, एंड नेक्स्ट टू प्रिवेंट लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी एस्पिरेशन के वजह से रेस्पिरेटरी पे कोई भी इन्फेक्शन ना हो इसीलिए यूज़ किया जाता है, टू क्लीन ट्राकेस्टोमी एरिया फ्रॉम डी इन्फेक्शन, अगर पेशेंट के पास ट्राकेस्टोमी है तो ट्राकेस्टोमी के आसपास सिक्रेशन जम जाता है तो उससे इन्फेक्शन होता है, उसको क्लीन करने के लिए यूज होता है। अभी हम देखेंगे सक्शन मशीन के पार्ट के नाम। इसी सक्शन मशीन को इलेक्ट्रिक के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, मशीन के अंदर एक पाम है, इसी पाम के द्वारा मशीन काम करता है, इसको प्लग बोलते हैं, और यहाँ पे दो जार है जिसको कलेक्शन जार बोलते हैं, यहाँ पे दो ट्यूब है इसको कनेक्शन ट्यूब बोलते हैं, एक जार से दूसरे जार कनेक्ट होता है इसको बोलते हैं सक्शन पाइप। इसी पाइप से जाते हुए पहले फर्स्ट जार अगर फुल हो जाता है तो दूसरा कलेक्शन जार पे जाता है, और यहाँ पे फिल्टर होता है जो डायरेक्टली पाम से कनेक्टेड है, इसी फिल्टर का यूज होता है जो वेस्ट लिक्विड है वो कलेक्शन जार से डायरेक्टली पाम के अंदर ना जाए, और यहाँ पे कंट्रोलर और रेगुलेटर बोलते हैं जिससे प्रेशर कमाया और बढ़ाया जाता है, यानी प्रेशर को कंट्रोल किया जाता है, और यहाँ पे वैक्यूम गॉस और सक्शन गॉस बोलते हैं, यहाँ पे कितना प्रेशर दे रहे हो, यानी मशीन को यूज करने के टाइम पे पेशेंट को कितना प्रेशर दे रहे हो यहाँ पे दिखाई देते हैं, और यहाँ पे पावर बटन है, प्लग से कनेक्ट करने के बाद अगर सही से कनेक्ट हुआ तो यहाँ पे लाइट जलता है। हमने सक्शन मशीन के सारे पार्ट देख लिया, तो चलो अभी इसको कनेक्ट करके कैसे प्रेशर को सेट किया जाता है उसको स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले हम इलेक्ट्रिक बोर्ड से कनेक्ट करना है, कनेक्ट होते ही पावर बटन पे लाइट जलेगा, यहाँ पे देख सकते हो, इसका मतलब सही से कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद इसको ऑन करके प्रेशर को सेट करना है, सेट करने के लिए सक्शन पाइप को ऑफ करना पड़ेगा, एंड रेगुलेटर को कमाना बढ़ाना पड़ेगा, यानी रेगुलेटर से कंट्रोल करना पड़ेगा, एंड ध्यान रखना है अगर आप रेगुलेटर को क्लॉकवाइज घुमाएगा तो प्रेशर कमेगा, एंड रेगुलेटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा तो प्रेशर बढ़ेगा,
यहाँ पे देख सकते हो हम लोग स्टेप बाय स्टेप सेट कर रहे हैं। हमारा पहला कलेक्शन जार पे थोड़ा लीकेज था, इसलिए हमने उसको हटाना पड़ा। तो आप सवाल आता है कितना सेट करना है। एडल्ट के लिए 100 टू 120 mm इजी सेट करना है, एंड न्यूनेट के लिए नॉर मोर देन 60 mm इजी, एंड इन्फेंट के लिए नॉर मोर देन 80 mm इजी, और चाइल्ड के लिए नॉर मोर देन 100 mm इजी। अभी आते हैं क्वेश्चन, कितना टाइम तक सक्शनिंग करना है। अगर डीप सक्शनिंग के लिए हम लोग 10 टू 15 सेकंड यूज़ करते हैं, और प्री मेजर सक्शनिंग के लिए 5 टू 6 सेकंड यूज़ करते हैं। ध्यान रखना है सेट करने के टाइम पे सक्शन पाइप को ऑफ रख के ही सेट करना है, नहीं तो सेट नहीं होगा। और यहाँ पे हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप सक्शनिंग पाइप को ऑफ करके 120 पे सेट किया है। अभी हमारा सक्शन मशीन रेडी है किसी भी एडल्ट पेशेंट को सक्शनिंग करने के लिए। हमने सक्शन मशीन को अच्छे से सेट किया है। एंड प्रोसेस से पहले पेशेंट को प्राइवेसी प्रोवाइड करना है, उसके बाद नेक्स्ट पेशेंट को सेमी फ्लोर पोजीशन पर लेकर आना है, और हमने जो मेकिंग टूल्स लिया था मेकिंग टूल्स को स्प्रेड करके सेट करें ताकि हमारा जो बॉटम सीट वो गीला ना हो सक्शनिंग करने के टाइम पे। एंड नेक्स्ट हैंड वॉश करके सर्जिकल ग्लव्स वेयरिंग करना है। एंड नेक्स्ट हमने जो टू किडनी ट्री लिया था उसको सामने रखना है। एंड नेक्स्ट सक्शन कैथेटर लेना है रिक्वायर्ड साइज अनुसार, और हमने 16 FG लिया है। एंड सक्शन कैथेटर को इसी सक्शन पाइप से कनेक्ट किया जाता है, यहाँ पे देख सकते हो। कनेक्ट करने के टाइम अच्छे से कनेक्ट करना है ताकि लीकेज ना हो। एंड नेक्स्ट किस पेशेंट को कितना साइज का सक्शन कैथेटर रिक्वायर्ड है उसी के अनुसार लेना है। हमने यहाँ पे एक इमेज दिखाया है, यहाँ पे देख सकते हो साइज के अनुसार कलर, यानी अकॉर्डिंग टू कलर के अनुसार साइज कितना होता है यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से। एंड नेक्स्ट पावर बटन को ऑन करके स्टेराइल वाटर से सेक करना है, यहाँ पे देख सकते हो। ध्यान रखना है सक्शनिंग के टाइम स्टेराइल के माध्यम से ही सक्शनिंग करना है, गाउन वेयरिंग करना है, एंड पेशेंट के चेस्ट पे टॉवल देना है। अगर पेशेंट के पास ऑक्सीजन मास्क है तो नसल कैलोना देना है अगर ज़्यादा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड ना हो। एंड नेक्स्ट ओरोफेरिंजियल पे सक्शन करना है, कैथेटर को माउथ पे इंसर्ट करके सक्शन कैथेटर को मूव करना है, एंड पूरा सेक्रेशन रिमूव करना है। अच्छे से सेक्रेशन को रिमूव करने के बाद पेशेंट के नसोफेरिंजियल पे सक्शनिंग करके सारे सेक्रेशन निकलना है। अगर पेशेंट के पास ट्राकेस्टोमी है तो ट्राकेस्टोमी को अच्छे से केयर करना है, एंड ट्राकेस्टोमी को कैसे केयर किया जाता है उसके लिए भी हमने अलग से वीडियो लाया है। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहे ताकि कोई भी वीडियो मिक्स ना हो, और हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें अगर हमारा वीडियो थोड़ा सा भी फायदेमंद हुआ, इससे हम लोग को बहुत मोटिवेट मिलता है। अगर सक्शन कैथेटर पे कुछ फंस जाए तो हम लोग स्टेराइल वाटर से उसको क्लीन करके उसको यूज़ करेंगे। एंड यहाँ पे हेल्थ सेक्टर की टीम को सपोर्ट कर सकती हो न्यू वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि न्यू वीडियो बनाने के लिए बहुत सारा आर्टिकल का रिक्वायर होता है जो हम लोग एफोर्ड नहीं कर पाते। अगर आप लोग कुछ हेल्प कर पाते हो तो हम लोग और भी बहुत सारा न्यूज़ वीडियो ला सकते हो। थैंक यू। एंड यहाँ पे कॉटन सेप को यूज़ कर सकते हो। अगर पेशेंट के पास रॉ ब्लीडिंग होता है तो उसको हम लोग रिमूव करके किडनी ट्रे पे रख सकते हो। अगर पेशेंट के पास से रॉ ब्लीडिंग होता है तो हम लोग सक्शन से डायरेक्ट नहीं कर पाता है ताकि सक्शन फंस जाएगा, इसलिए हम लोग पहले उसको कॉटन सेप और गॉज सेप यूज़ करके रिमूव करना है किडनी ट्रे पे। एंड नेक्स्ट सक्शनिंग करने के बाद जो भी आर्टिकल है अपने अपने जगह पे रखना है, एंड सक्शन कैथेटर को वेस्टबिन पे रखना है, और पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन दे देना है। आज का वीडियो यही तक है। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी फायदेमंद हुआ तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।